जी गुरुजी में एक बार फिर से मैं वर्षा आपके लिए लेकर के आ गई हूँ एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एसएससी एग्जाम के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे कौन कौन से इंस्टीट्यूट सबसे ज्यादा अच्छे हैं एसएससी के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जानते हैं थोड़ा सा एसएससी के बारे में। एसएससी एग्जाम आपके बहुत ही ज्यादा फेमस एग्जाम है। पूरे इंडिया में बच्चे एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जिसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी कहा जाता है। और एसएससी की प्रिपरेशंस करने वाले बच्चे बहुत ही मेहनत के साथ प्रीलिम्स निकालते हैं, मेंस निकालते हैं, कई बार टियर 3 भी इसका होता है कुछ कुछ पोस्ट के लिए वो निकालते हैं, फिर इंटरव्यू निकालते हैं और फिर आपकी मिनिस्ट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स लगती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम है और पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चे इसके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इसके एग्जाम में हर साल बैठते हैं। कुछ बच्चे प्रीलिम्स में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, जो प्रीलिम्स में क्वालिफाई होते हैं वो आगे जाते हैं जहां आपका डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही तरीके का पेपर होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पेपर वन की। पेपर वन में आपका प्रीलिम्स होता है और ये पूरी की पूरी तरह ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। इसके बाद आपका आ जाता है मेंस। मेंस में आपका मैथ का, इंग्लिश का और जीके का सबका अलग अलग पेपर होता है, जिसमें आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर भी कुछ होते हैं जिसमें आप ऐसे लिखते हैं, और ऑब्जेक्टिव पेपर भी होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा वास्ट होता है। इसके बाद कुछ लोगों का टियर 3 भी होता है, कुछ पोस्ट का टियर 3 भी होता है। कुछ लोग स्टैटिस्टिक्स के लिए फॉर्म भरते हैं, स्पेशलाइज्ड लोग, उनका लिए स्टैटिस्टिक्स का अलग से पेपर भी होता है। और इसके बाद आपका आ जाता है इंटरव्यू। तो जिन लोगों ने अलग से फॉर्म नहीं, जो कॉमन पोस्ट है उनके लिए भरा है, उनका सीधा आ जाता है इंटरव्यू। और इसका इंटरव्यू भी बहुत ही ज्यादा टफ टाइप का माना जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इसके साथ कि ये आपका बहुत ही लंबा समय ले लेता है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें इतने सारे एग्जाम के लेवल हैं, उतना ही टाइम आपके एग्जाम प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगता है। और बहुत सारे बच्चे हैं, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जितनी अच्छी जॉब उतनी ज्यादा मेहनत। एसएससी की जॉब सबसे अच्छी जॉब्स में से एक मानी जाती है। बैंकिंग और एसएससी में बहुत सारे बच्चे एसएससी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, कुछ बच्चे बैंकिंग को भी प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती यहाँ पर ये होती है कि लोग बैंकिंग और एसएससी के एग्जाम को सेम समझ लेते हैं। कई लोगों का ये सोचना है कि एक साल तैयारी करेंगे, दोनों की सेम तैयारी है, उसी से हम बैंकिंग भी देंगे, उसी से हम एसएससी भी देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एसएससी की सब्जेक्ट जरूर सेम है प्रीलिम्स के, लेकिन आपका पेपर का लेवल बिल्कुल डिफरेंट है और बैंकिंग के पेपर का लेवल बिल्कुल डिफरेंट है। एसएससी के करंट अफेयर्स में आपके जनरल करंट अफेयर्स भी आते हैं, आपके स्कूल वाले करंट अफेयर्स भी आते हैं, जो आप स्कूल की स्टडीज में पढ़ते थे, जनरल साइंस हो गया, एसएससी हो गया। लेकिन आपके बैंकिंग के करंट अफेयर्स में आपका बैंकिंग अवेयरनेस आता है, करंट अफेयर्स आते हैं। इसके अलावा जो योजनाएं हैं वो बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं बैंकिंग में, ये सब पूछा जाता है। आरबीआई के बारे में डिटेल्ड में पूछा जाता है। इवन मैथ्स की भी बात करें, मैथ्स यानी कि जिसे हम एग्जाम के शब्दों में बोलें तो एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड में भी बैंकिंग का जो है वो टाइम कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा होता है, आपको एक एक सेकंड के हिसाब से चलना पड़ता है। बट एसएससी में आपका ट्रिक्स कैलकुलेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके टॉपिक्स काफी डिफरेंट हो जाते हैं बैंकिंग से, और यहाँ पर आपको ट्रिक्स के बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ जाते हैं। तो ये आपने जाना इन दोनों के एग्जाम के बारे में डिफरेंस, प्रोसेस के बारे में आपने जाना। इसके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 0.33 नेगेटिव मार्किंग है, यानी 33% नेगेटिव मार्किंग है। इस पर पूरा का पूरा ध्यान दीजिएगा, गलत क्वेश्चंस बिल्कुल अटेम्प्ट मत कीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आगे जाने से पहले आप इस लिस्ट की तरफ एक बार जरूर देखिए, ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको बताएगी कि आपके अपने शहर में रैंक 1 से लेकर के कौन कौन से रैंकिंग के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स टॉप के हैं, कौन सा किस रैंक पर आता है। और इन सभी के बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने सभी रैंकिंग्स के बारे में बात की है, सभी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं, उस एक ही वीडियो में सभी के बारे में शॉर्ट डिटेल्स भी दी हैं। इसके अलावा हमने सभी की अलग अलग इन डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, उन सभी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट कीजिए, उस लिंक को विजिट कीजिए, इसके बारे में आप और ज्यादा डिटेल में जान सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे आगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए आ गई हूँ महाराष्ट्र के मुंबई शहर में, मुंबई जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो मुंबई में बहुत मेहनत से एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं।
तो जितने भी लोग मुंबई में एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कुछ मिनट की वीडियो आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करेगी। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ एसएसबी इंस्टीट्यूट की इन्फॉर्मेशन लेकर के। एसएसबी इंस्टीट्यूट पूरे के पूरे मुंबई का काफी फेमस और काफी नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट है और ये रैंक नंबर 3 पर आता है मुंबई में एसएससी की प्रिपरेशन करवाने के लिए। इनके फीचर्स की बात करें तो इनके फीचर्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते वक्त आपको इसके ट्रायल क्लासेस जरूर लेने चाहिए, इनके काउंसलिंग क्लासेस लेने चाहिए। इनके काउंसलिंग क्लासेस में बहुत सारे ऑलरेडी क्वालिफाइड लोग आते हैं जो आपके साथ अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करते हैं और बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छे वे में ये आपको मोटिवेट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको कोर्स के मटेरियल के साथ स्टडी मटेरियल भी फ्री प्रोवाइड किया जाता है, यानी कोर्स की फीस के साथ आपका स्टडी मटेरियल, आपके आने जाने का बैग, बुक्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है जो ऑफलाइन के लिए आपको क्वेश्चन बैंक मिलता है और ऑनलाइन के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, और जो टेस्ट सीरीज आप करते हैं उसका एक पूरा रिव्यू आपको प्रोवाइड किया जाता है जिसके बेसिस पर आप अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कर सकते हैं। तो इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप इन्हें विजिट कर सकते हैं, आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ज्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारे पेज को भी विजिट कर सकते हैं। हमारे पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों हमारी आज की वीडियो देखने के लिए। हमारी वीडियो को प्लीज प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं वर्षा आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस हमेशा ही लेकर के आती रहती हूँ। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से जारी रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।